नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल अस्त में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके इस वीडियो में जान लेते हैं। यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों लगातार चीन की हरकतें हमारे सामने आ रही हैं और चीन जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक धोखेबाज देश है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ है। डिसएंगेजमेंट की बात के बाद भी चीन पेंगोंग झील में अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। 14 जुलाई को हुई बातचीत के बाद चीन ने अतिरिक्त बोट और सेना की टुकड़ी को पेंगोंग में तैनात कर दिया है और विवादित इलाके में अपनी ताकत को वो बढ़ा रहा है। पेंगोंग झील में चीन ने नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन कैंप में अतिरिक्त सेना की टुकड़ी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पेंगोंग झील में भी चीन की नई चाल सैटेलाइट में कैद हो चुकी है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि चीन पेंगोंग झील में अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में लग गया है। 29 जुलाई के सैटेलाइट इमेज को बारीकी से जब देखा गया तो पता चला कि पीपल लिबरेशन आर्मी की नौसेना फिंगर 5 और फिंगर 6 में डेरा जमाए हुए। फिंगर 5 पर पीएलए के 3 बोट और फिंगर 6 पर पीएलए के 10 बोट दिखाई दे रहे हैं। हर बोट में 10 जवान तैनात हैं, यानी 130 जवान फिंगर 4 के बेहद करीब तैनात हैं। सैटेलाइट इमेज में 40 फैब्रिकेटेड कैंप और करीबन 15 टेंट देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 4 अतिरिक्त टेंट हैं जो कि बोट क्रू के लिए बनाए गए होंगे। फैब्रिकेटेड कैंपों से पता चलता है कि चीनी सेना ने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। टेंटों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और पेंगोंग झील में वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है और उसका पीछे जाने का मूड दिख नहीं रहा है। आपको बता दें कि कोर कमांडर स्तर की जब चौथी बैठक हुई थी, यानी कि जो 15 जुलाई को, चीन की सेना फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 5 पर चली गई थी, लेकिन फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है, यानी कि अभी भी चीन की जो तलखी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चीन दिखावा करता है कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए भारतीय सेना ने भी 35,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है और अब भारतीय सेना ने भी सर्दियों के हिसाब से अपने सैनिकों की वहां पर डिप्लॉयमेंट करनी शुरू कर दी है। तो यानी कि भारत भी चीन को यहां पर छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों यहां पर अगली खबर की बात करते हैं तो वो 83 LCA तेजस मार्क 1 को लेकर आ रही है और कहा जा रहा है कि दिसंबर से पहले इनके लिए आदेश दिए जा सकते हैं। इस साल की शुरुआत में महीनों की बातचीत के बाद HAL और इंडियन एयरफोर्स ने 83 विमान, जिसमें से 73 लड़ाकू जेट और 10 दो सीट ट्रेनर वेरिएंट हैं, उनके लिए 39,000 करोड़ रुपए के मूल्य टैग पर सहमति व्यक्त की। HAL के अधिकारियों ने कहा कि बकाया मुद्दों के लिए देरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। विशेष रूप से अनुबंध के माध्यम से अतिरिक्त आवश्यकताओं से संबंधित कई प्रश्न भी हैं। आपको बता दें कि अनुबंध के अगले चरण को भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसके बाद HAL और भारतीय वायुसेना के बीच अनुबंध की औपचारिक शुरुआत होगी। अनुबंध के 3 साल के भीतर ही मार्क 1 की डिलीवरी करनी होगी और 5 साल में ये सभी वितरित किए जाने हैं। जहां इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, हालांकि ये भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बहुत बढ़ाएगा और भारतीय उद्योग को प्राप्त होने वाले ऑफसेट को भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ये योगदान देता है। स्वदेशी तेजस का लॉकडाउन के प्रभाव की वजह से और साथ ही आर्थिक मंदी की वजह से प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि 5 प्रमुख निजी कंपनियां, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो, वेम टेक्नोलॉजी, अल्फा टोकोल, टाटा एडवांस मटेरियल एंड डायनेमिक टेक्नोलॉजी LCA के लिए फ्यूजेस, पंक, टेल फिन और रडर का निर्माण करेंगे। ये HAL के द्वारा बेंगलुरु में अपनी ट्विन प्रोडक्शन लाइन में असेंबल किए जा रहे हैं। 39,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर का अर्थव्यवस्था पर लगभग 7 से 8 गुना प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में कोयम्बटूर के सुलूर में अपने एयरबेस में 16 मार्क 1 बेसलाइन तेजस वेरिएंट का एक स्क्वाड्रन संचालित करती है। 27 मई को इंडियन एयरफोर्स ने LCA तेजस के दूसरे स्क्वाड्रन का संचालन किया। नंबर 18 स्क्वाड्रन को सितंबर 2021 तक अपने पूरे 15 FOC विमान मिल जाएंगे। ये 40 LCA के लिए एक आदेश का हिस्सा है जो 2006 और 2010 में दो किस्तों में रखा गया था। सभी डिलीवरी 2022 में पूरी होगी। आपको बता दें कि एक तीसरा तेजस उत्पादन लाइन, यानी कि प्रोडक्शन लाइन, जिसे कि इस नवंबर में स्थापित किया जाना है और ये जेट के 2 सीट ट्रेनर वेरिएंट को रोल आउट करेगा। लाइन कुल 18 LCA ट्रेनर का निर्माण करेगी जो नवंबर 2021 से डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो चीन को लेकर आ रही है। राफेल के आते ही चीन की तरफ से भी बयान आ गया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल के शामिल होने के बाद चीन की मीडिया में इस बारे में काफी चर्चा की जा रही है। पाकिस्तान ने जहां भारत को राफेल मिलने के बाद विश्व समुदाय से गुहार लगाई है, तो वहीं चीन की मीडिया इसकी तुलना अपने फाइटर जेट J-20 से करने में लग गई है और कहा है कि राफेल से उनका ये जहाज बेहद अच्छा है। चीन का सरकारी
अखबार ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि भारत ने हाल ही में 5 राफेल जेट हासिल किए हैं और भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने इसे चीन के J20 से ज्यादा अच्छा फाइटर जेट बताया है। चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से खबर में लिखा गया है कि राफेल तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट है और चौथी पीढ़ी का फाइटर J20 के आगे नहीं टिकता है। चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने ग्लोबल टाइम्स में कहा है कि राफेल सुखोई 30 MKI से बेहतर है जो भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन राफेल बहुत उन्नत नहीं है और इसकी गुणवत्ता में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने कहा है कि ऐसा रडार, आधुनिक हथियार और सीमित तकनीक की वजह से राफेल को तीसरी पीढ़ी के अन्य फाइटर जेट की तुलना की जा सकती है, जिसका इस्तेमाल बाकी देश भी कर रहे हैं, लेकिन चौथी पीढ़ी के J20 जैसे अधिक क्षमता वाले लड़ाकू विमान का मुकाबला करना इसके लिए बेहद मुश्किल होगा। दोस्तों, चीनी एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ये बात सबको मालूम है कि फाइटर जेट में पीढ़ी का फर्क बहुत बड़ा फर्क माना जाता है और इसकी भरपाई किसी रणनीतिक या फिर संख्या बढ़ाकर नहीं की जा सकती। चीन का J20 फाइटर जेट राफेल से सुपीरियर है। वहीं भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ जी ने कहा कि 4.5 जनरेशन के राफेल को गेम चेंजर बताया और कहा कि चीन का फाइटर J20 इसके आसपास भी नहीं फटकता। इसी बयान को लेकर चीन को मिर्ची लगी और उसने राफेल की कमियां गिनाना शुरू कर दिया। हालांकि धनोआ ने एक बार फिर से चीन को चैलेंज किया है। धनोआ जी ने दो सवालों के साथ चीन के दावे का जवाब दिया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि J20 इतना ट्रिकी है कि उसे फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाए, क्योंकि कर्नाट से फाइटर जेट का रडार सिग्नेचर बढ़ जाता है। इससे ये लॉन्ग रेंज मिट्योर मिसाइल की पकड़ में आ जाता है जो कि राफेल में लगी है। साथ ही धनोआ जी ने दूसरा सवाल किया कि अगर J20 पांचवी पीढ़ी का फाइटर है, जैसे कि इसका मैन्युफैक्चरर चेंदुंग एरोस्पेस कहता है, तो ये सुपर क्रूज क्यों नहीं कर सकता। सुपर क्रूज वो क्षमता है जिसमें किसी फाइटर जेट को 1 मैक की रफ्तार बिना आफ्टर बर्नर्स के साथ उड़ाया जा सकता है। साथ ही धनोआ जी ने कहा कि राफेल में सुपर क्रूजिबिलिटी है और दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेटों में से इसके रडार सिग्नेचर की तुलना की जा सकती है। साथ ही उन्होंने चीनी प्रोपेगेंडे की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि अगर चीनी हथियार और लड़ाकू विमान इतने अच्छे होते तो पाकिस्तान को 27 फरवरी 2019 को चीन के JF-17 का इस्तेमाल अटैक में करना चाहिए था, ना कि F-16 का। चीन का प्रोपेगेंडा यहां पर एक बार फिर से जाहिर हो चुका है कि वो जबरदस्ती ही अपने J20 विमान की तुलना राफेल विमान से कर रहा है। हालांकि राफेल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है और इसने कई युद्धों में भाग लिया है, लेकिन चीन के J20 को अभी तक किसी भी फाइट में नहीं देखा गया है। तो ऐसे में चीन की तरफ से अपने आप को सुपीरियर बताना एक मजाक से कम नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, यहां पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है CAPF को लेकर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के साथ लगभग 10 लाख कर्मियों के लिए अलग अलग तरीके के स्वदेशी और खादी सामान की खरीद के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के साथ एक करार किया है। ITBP के प्रवक्ता ने बताया है कि सुरक्षा बल खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से करीबन 1200 क्विंटल सरसों का तेल खरीदेगा, जिस पर कुल 1.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आएगा। साथ ही दोनों पक्षों के बीच एक MOU पर भी हस्ताक्षर हो गया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी या स्वदेशी निर्मित उत्पादों की खरीद को बढ़ाना है। चीन के साथ लगती 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा के लिए पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित ये बल इस तरीके का समझौता करने वाला अर्धसैनिक बलों में पहला बल हो गया है। आपको बता दें कि अन्य सशस्त्र पुलिस बलों में CRPF, CISF, BSF और SSB शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि CAPF कैंटीन केवल स्वदेशी या स्वदेशी निर्मित उत्पादों को बेचेगी। प्रवक्ता ने बताया कि ITBP के द्वारा 17 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 2.5 लाख दरी भी खरीदी जाएंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ITBP ने ये सुझाव दिया है कि वे KVIC के माध्यम से योग किट, अस्पताल की चादर, खादी की वर्दी, अचार और कुछ अन्य सामान भी CAPF के जवानों के लिए खरीदे जा सकते हैं। इन वस्तुओं को CAPF की कैंटीन के माध्यम से कर्मियों और उनके परिवारों को बेचा जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए सेमी समर्सिबल पॉन्टून के निर्माण के लिए एक अनुबंध उन्होंने हासिल किया है, जिसकी लागत करीबन 450 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, एक बड़ी सफलता के साथ उसमें एक महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव भी आया है और उसने पिछले 4 वित्तीय वर्षों में काफी लाभ कमाया है। ये मुनाफा लगभग 4 दशकों के अंतराल के बाद आया है। यार्ड के ऑनर ने कहा कि वे वर्तमान में भारतीय नौसेना के 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल, जिनकी कॉस्ट करीबन 2500 करोड़ रुपए है, उनका निर्माण कर रही है और साथ ही 4 50 टन के बोलार्ड पुल तट पर लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत आ रही है।
आपको बता दें कि शिपयार्ड ने हाल ही में शेड्यूल से पहले ही ईकेएम क्लास समरिन के एक प्रमुख रिफिट को पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा दो भारतीय नौसेना के जहाजों पर भी काम चल रहा है। यार्ड भारतीय तटरक्षक, डीसीआई, मत्स्य विभाग और अन्य निजी कंपनियों के लिए भी जहाज पर काम कर रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन को लेकर आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को देश के स्वदेशी बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की औपचारिक शुरुआत की है। ये सिस्टम अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को टक्कर दे सकता है। माना जा रहा है कि चीन की स्वदेशी जीपीएस के लॉन्च होने से उसकी जियोपॉलिटिकल और सैन्य क्षमता बढ़ जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और पीपल लिबरेशन आर्मी के नेता शी जिनपिंग ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के एक समारोह में इस सैटेलाइट सिस्टम की आधिकारिक शुरुआत की है। आपको बता दें कि ये उपग्रह नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा है जिसे BDS-3 के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत 2018 में उन देशों को नेविगेशन सेवाएं मुहैया कराई जाने की शुरुआत की गई थी जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल है, और ये प्रणाली अत्यंत सटीकता के साथ नेविगेशन सहायता प्रदान करती है। चीन का कहना है कि वो अन्य उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन उनका ये जो नया नेविगेशन सैटेलाइट है वो अमेरिका के GPS और रूस के ग्लोनास और यूरोपीय संघ के गैलीलियो नेटवर्क से उसके प्रतिस्पर्धा करेगा। इससे चीन को ये लाभ होगा कि वो अपनी मिसाइलों को निर्देशित करने के लिए GPS के बदले अपने नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल कर पाएगा, और ये विशेष तौर पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।